नमस्कार दोस्तों, निराला कंस्ट्रक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 1500 स्क्वायर फीट में बने हुए घर का फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन के साथ साथ दोनों तरफ के साइड एलिवेशन का डिज़ाइन शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरे साथ साथ ये घर का डिज़ाइन बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम किया गया है। इसके हर एक पार्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे दोस्तों इसे बनाया जाता है और कैसे इसे फिनिश किया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इस घर के साइड एलिवेशन का। तो आप देख लीजिए, एक ज़बरदस्त तरीके से साइड एलिवेशन का डिज़ाइन यहाँ पर बनाया गया है। और मैं आपको साथ में बता दूं कि जो तीनों आप छज्जा देख रहे हैं, जो कैंटीलेवर जो बीम के सहारे छज्जा निकाला गया है, वो तीनों जगह दोस्तों 3 फीट के आसपास छज्जा निकाला गया है। और आप देख पा रहे होंगे जो ऊपर में आप स्लोप डिज़ाइन का भी छज्जा देख रहे हैं, उसका भी दोस्तों मैं साइज़ बता दूँ कि सेम साइज़ का है। ये देखिए, पहले सबसे पहले नीचे वाला जो हमारा छज्जा है उसके बारे में बात करेंगे, फिर ऊपर की तरह चलेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो ये छज्जा आपको स्लोप डिज़ाइन दिख रहा है उसको दोस्तों कुछ ज़्यादा ही स्लोप डिज़ाइन दे दिया गया है ताकि ये दूर से दिखे। और ऊपर वाला जो आप छज्जा देख रहे हैं वहाँ पे दोस्तों 45 डिग्री में आपको छज्जा देखने को मिल रहा है, जो कि लाल कलर से पेंट किया गया है। और उसके ऊपर देखेंगे तो आपको दोस्तों बिल्कुल खाली जगह दिख रहा है, वो पैरापेट का हिस्सा है। वहाँ पर आने वाले दिन में कॉलम जो आप दोनों दिख रहे हैं उसके बीच में आपको स्टेनलेस स्टील का रेलिंग यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। बीच में बात देखा जाए तो यहाँ पे बिल्कुल आपको खाली जगह मिलता है, प्लम्बिंग पाइप आप आसानी के साथ देख सकते हैं। फिर आगे आते हैं तो उसी डिज़ाइन को दोस्तों यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया गया, आप देख लीजिए वो छज्जा है उसको सेम यहाँ पे लगा दिया गया है, लगभग 3 फीट बाहर निकाला हुआ स्लोप डिज़ाइन। और फिर यहाँ पर भी आप देख ही पा रहे हैं कि बिल्कुल दोस्तों उसी को यहाँ पर लगा दिया गया है। चलेंगे दोस्तों फ्रंट की तरफ भी, और उसके बाद फिर मैं आपको दूसरी तरफ का जो साइड लुक है उसके बारे में दिखाऊंगा। यहाँ पे भी देखेंगे तो लगभग 3.5 फीट के आसपास में छज्जा निकाला गया है। फिर यहाँ पे सेप दोस्तों चेंज हो गया है, ज़्यादा फिर बाहर निकाला गया है, आप देख लीजिए यहाँ तक 3 फीट। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो फिर 3 फीट, मतलब 6 फीट यहाँ पर टोटल निकाला गया है। और उसके बाद दोस्तों आपको फ्रंट की तरफ से उस वाला पार्ट को मैं दिखाऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में। ऐसा ही दोस्तों ऊपर में भी देखेंगे तो सेम आपको निकाला गया 3 फीट, उसके बाद फिर 3 फीट, उसके बाद फिर स्लोप डिज़ाइन। ऊपर में देखेंगे तो पैरापेट का जो रेलिंग आता है उसके लिए दोस्तों वहाँ पर जगह अभी छोड़ा गया है। तो ये देख लीजिए साइड एलिवेशन, फ्रंट की तरफ भी मैं आपको ले चलूँगा। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पर बनाया जा रहा है। और इसका कलर कॉम्बिनेशन का आप बताइए कि कलर कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा। मुझे तो कलर कॉम्बिनेशन में दोस्तों अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंजिंग का अभी भी गुंजाइश है। तो ये देख लीजिए दोस्तों तीनों पार्ट, और यहाँ पर भी आप देख लिए कि 3 फीट निकाला गया, उसके बाद फिर 3 फीट बढ़ाया गया है। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों इस घर के फ्रंट एलिवेशन की तरफ कि आपको किस तरीका का काम यहाँ पे किया गया है। तो आप देख लीजिए, ये फ्रंट व्यू में आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही शानदार दोस्तों यहाँ पे काम किया जा रहा है। फ्रंट व्यू में भी दोस्तों अभी तक वही कमी है जो आप साइड व्यू में देख रहे थे, कि जो पैरापेट का रेलिंग है ऊपर में छत के ऊपर वो नहीं लगाया गया, सामने में भी रेलिंग नहीं लगाया गया। आप देख लीजिए इस पार्ट का मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर 3 फीट ज़्यादा इसे निकाला गया है, और स्लोप जो रखा गया है दोस्तों 45 डिग्री का स्लोप रखा गया है। दोस्तों देख लीजिए ऊपर में आपको बहुत ही खूबसूरत काम यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे रेलिंग लगा सकते हैं आप एमएस का भी या फिर स्टेनलेस स्टील का भी। वैसे मैं बता दूं कि ज़्यादातर लोग आजकल स्टेनलेस स्टील का रेलिंग ही पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उसमें दोस्तों आपको मेंटेनेंस जीरो मेंटेनेंस रहता है, वो उसमें आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं रहता है। तो ये देख लेते दोस्तों आपको अच्छा खासा दोस्तों एक जगह मिल जाता है जहाँ पर आप चेयर लगा के आसानी के साथ जो बाहर का दृश्य है उसे देख सकते हैं, उसका मज़ा ले सकते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों अभी जो कोर का कलर है वो का अभी काम इसका बाकी है। और यहाँ की बात किया जाए तो इस देख लीजिए यहाँ पे आपको आर्क शेप देखने को मिल रहा था, लेकिन ऊपर में दोस्तों बिल्कुल आपको साधारण डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप सेम डिज़ाइन लगा देते हैं तो आपको उतना अच्छा लुक नहीं देता, लेकिन हल्का सा चेंजिंग कर देते हैं तो दोस्तों उसका लुक में इजाफा हो जाता है, काफ़ी अच्छा आपको एक लुक मिलता है। तो देख लीजिए दोस्तों आपको बहुत सारा आइडिया इस घर से मिल सकता है। इस घर का चौड़ाई की बात किया जाए तो 30 फीट है, और लंबाई की बात किया जाए तो 50 फीट, मतलब 50 × 30 मतलब 1500 स्क्वायर फीट में ये बन रहा घर है। तो देख लीजिए ये है इस घर का फ्रंट लुक। मैं नज़दीक से दिखाऊंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं वीडियो को दूर से बना रहा हूँ और ऊंचा जगह से बना रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे साइड की तरफ। तो आप देख लीजिए कुछ इस टाइप का डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहा है, और फुल लुक भी मैं आपको दिखाऊँगा जिससे आपका जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप ही लोग का हेल्प के लिए डेली बेसिस पे वीडियो ला रहा हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इंजीनियर प्रभात को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।